हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं, अगर हमें कैब बिजनेस के लिए कोई गाड़ी परचेज करनी है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सी गाड़ी पे होता है, कौन सी गाड़ी पे सबसे ज़्यादा बुकिंग आता है। अगर हम बात करते हैं ओला उबर की, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं लोगों की कि जो भी बुकिंग होता है ना, कौन सी गाड़ी का सबसे ज़्यादा बुकिंग आता है, तो हमें कौन सी गाड़ी लेना सही रहेगा। तो सारा कुछ बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आप कोई भी कैब बिजनेस के लिए, ओला उबर में काम करने के लिए कोई भी गाड़ी परचेस कर रहे हैं और गाड़ी परचेस करने में आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको फाइनली आज के वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर आप जान लीजिए, एक भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये रहता है कि सबसे ज़्यादा जो बुकिंग होता है ना, वो किस कैटेगरी का आता है। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि सबसे ज़्यादा जो बुकिंग आता है ना, वो कमाई जो होती है ना, वो कौन सी गाड़ी पर होती है। और तीसरा क्वेश्चन ये रहता है प्रॉफिटेबल गाड़ी कौन सी है, कौन सी गाड़ी ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, और बिजनेस कौन सा करना सही है, लोकल से करना सही है, लोकल सिटी राइड करना चाहिए या फिर आउट जन का जो राइड होता है ना, उस पर काम करना चाहिए, इनमें पैसे सबसे ज़्यादा किस में मिलते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपके सारे कन्फ्यूजन आज इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आपके ओला उबर में जो सबसे ज़्यादा बुकिंग कौन सी कैटेगरी का आता है, और जो सबसे ज़्यादा गाड़ी प्रॉफिटेबल मतलब पैसे कमा के सबसे ज़्यादा जो बचत होती है, वो कौन सी गाड़ी करके देती है। तो सिंपल तरीका समझ लीजिए, अगर आपका कोई भी गाड़ी लेने का प्लान है, तो आज का वीडियो में आपका फाइनली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको गाड़ी कौन सी लेनी है, किस कैटेगरी की लेनी है, कौन सी में आपका बिजनेस ज़्यादा होगा। तो ये जो डिपेंड करता है ना, आपकी सिटी पे डिपेंड करता है, आपकी सिटी कैसी है, मेट्रो है या फिर नॉर्मल सिटी है, छोटी मोटी सिटी है, वहाँ पर बुकिंग के हिसाब से भी इस चीज़ को आप माप सकते हैं। दूसरा, आपका सिटी बहुत बड़ा सिटी है, अच्छा सिटी है, मेट्रो सिटी है, जहाँ पर बुकिंग की कोई कमी नहीं है, तो आपको कौन सा गाड़ी लेना चाहिए। सबसे पहले ये जान लें कि आपको ओला उबर के प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बुकिंग कौन सी कैटेगरी का आता है, अगर आप लोकल सिटी राइड कर रहे हैं तो। लोकल कर रहे हो या फिर आउट जन का काम कर रहे हो, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो बुकिंग आता है ना, वो आता है मिनी कैटेगरी का, 95% ले सकते हैं टोटल, ओला के अंदर भी उबर के अंदर भी। अगर आपके पास SUV गाड़ी है, एर्टिगा वगैरह है ना, और आपने मिनी कैटेगरी को ओपन करके रखा है ना, तो आपके पास SUV का बुकिंग तो बाद में आएगा, लेकिन मिनी कैटेगरी का बुकिंग आपके पास ज़रूर आ जाएगा। तो यही कंडीशन ओला उबर की किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, किसी भी शहर में रहते हो, सबसे ज़्यादा जो बुकिंग आती है वो मिनी कैटेगरी की आती है। अब आप सोचोगे कि मिनी कैटेगरी की जब बुकिंग आती है, तो हमको एक छोटी सी गाड़ी ले लेना चाहिए, या फिर अल्टो ले लें, वैगनार ले लें, या फिर और कोई छोटी मोटी बीट वगैरह, आईओन, इकोन वगैरह जो आती है हुंडई की, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी रहता है, और बहुत सारे भाई ऐसा करते भी हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ टोकूंगा, अगर आप बहुत ज़्यादा छोटी गाड़ियाँ ले रहे हैं, तो आप ओला उबर पे डिपेंड हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी ये है कि आपको ओला उबर के सिवाय दूसरे प्लेटफॉर्म पर उस छोटी गाड़ियों पर काम नहीं मिलता है। बहुत सारे भाई मुझे ये भी बोलते हैं, यार मैंने भाई वैगनार ले ली, व्हाट्सअप ग्रुप में बुकिंग गिरती है, उसको फ़ोन करूँ तो बोलता है वैगनार है, नहीं चलेगी, सेडान चाहिए। तो ऐसा आएगा, आपके साथ भी हो सकता है। मतलब आपके पास एक माना वैगन आ रहा है, ठीक है, आप रहते हैं दिल्ली या फिर मुंबई, पुणे रहते हैं आप, पुणे से आपको ओला उबर में जो बुकिंग आ रही है ना, मिनी कैटेगरी की आपको आ रही है, ठीक है, समझ ले, सिंपल तरीका एक एग्जांपल ले ले रहे हैं। आपके पास ओला में बुकिंग आई मिनी कैटेगरी का, आप चले गए, अगर पुणे से मुंबई की बुकिंग आई, मुंबई से पुणे आई, या फिर आप मुंबई से पुणे चले गए मिनी कैटेगरी बुकिंग, या फिर आप दिल्ली के साइड में रहते हैं, दिल्ली जयपुर है या फिर चंडीगढ़ हरियाणा, उधर से आप चले गए, लेकिन वापसी के टाइम पे अगर ओला उबर में आपके पास बुकिंग नहीं आ रही है ना, तो आप वहाँ से खाली आते हैं ज़्यादातर। रिटर्न बुकिंग आपको नहीं मिली, माना रात को सो गए, बिजनेस ड्रॉप है, दूसरे दिन भी नहीं मिली, कुछ तो क्या करते हैं, ड्रॉप किया, उन्हें मालूम है हमारे पास यहाँ से बुकिंग मिलती नहीं है, ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कोई सिटी के अंदर बुकिंग नहीं मिलती है, वहाँ से खाली आ जाते हैं। तो आपको ज़्यादातर है ना, अगर रिटर्न बुकिंग आपको मिल गई तब तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन रिटर्न बुकिंग आपको नहीं मिली तो आपके लिए बचत, आपकी जो प्रॉफिट थी वो कम हो गई। ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास ही कोई ऐसी सीडान वगैरह है, आप भले ही ओला उबर की बुकिंग लेके जा रहे हैं, और भले ही ओला उबर आपको बुकिंग नहीं दे रहा है, लेकिन आपके पास ग्रुप हैं, व्हाट्सअप ग्रुप हों या फिर वो एप्लीकेशन वगैरह लोकल हों, उसके अंदर आपको बुकिंग मिल गई रिटर्न आने के लिए, तो इसमें क्या होता है ना, आपको एक तो बुकिंग मिल गई, दूसरा हो गया आपका फ़ायदा,
फायदा ये हो गया कि आपको किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना होगा। यहाँ से माना ओला की लेके गए, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप की उठा ला गए, जैसा कि मैं करता हूँ अक्सर। मैं कभी कभी टोटल बिजनेस भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ही करता हूँ। जब मुझे किसी भी कैब एक्टर कंपनी का रेट वगैरह वो सब अच्छा नहीं लगता है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ही वन वे लेके जाता हूँ, वन वे लेके आ जाता हूँ वहाँ से। तो आई होप इस चीज़ में आप समझ गए। आप बात कर लीजिए बचत और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा। देखिए वेगनार और डिज़ायर अगर आप ले रहे हैं तो वेगनार वाला डिज़ायर के बराबर पैसे कमा सकता है, ठीक है। लेकिन आर्टिका अगर ले रहे हैं तो वेगनार और डिज़ायर वाला आर्टिका के बराबर पैसे नहीं कमा सकता। सिंपल तरीका ये समझ लीजिए, अगर आपके पास डिज़ायर वगैरह है और डिज़ायर में आप 4,000 रुपये का काम कर रहे हैं तो आपको आर्टिका के अंदर 4,000 रुपये बच जाएंगे। अगर आप डिज़ायर में CNG वगैरह सारा कुछ निकालने के बाद आपको जो पैसे बचेंगे ना, उसमें से आप CNG निकालेंगे, माइनस प्लस करेंगे, तो वो पैसे आर्टिका गाड़ी के अंदर आपको टोटल उतने पैसे 4,000 बच जाएंगे CNG वगैरह निकाल के। इतना आता है डिफरेंट। सिंपल तरीका बताऊँ, अगर आपने डिज़ायर के अंदर 4,000 का काम किया, 1,000-1,200 का 1,500 का CNG गया, और आर्टिका के अंदर आपने काम किया 4,000 का, तो 4,000 जब आर्टिका के अंदर आप 4,000 का काम करेंगे तो उसका जो काम होगा वो 4,000 नहीं होगा, उससे ज़्यादा का होगा। अगर डिज़ायर के 4,000 का कर रहे हैं तो आर्टिका वाले ने 4,000 से ज़्यादा का किया होगा, तो उसको जो प्रॉफिट होने वाली है वो 4,000 की होगी CNG वगैरह निकाल के। तो डिफरेंट आता था इतना एक सिंपल तरीका। अगर आप दिन में 2,000 का काम कर रहे हैं डिज़ायर से तो आर्टिका पे आप 4,000 का काम कर सकते हैं, और आर्टिका में जो प्रॉफिट और जो बचत होती है ना वो डिज़ायर से ज़्यादा होती है। जितना कि डिज़ायर वाला काम कर रहा है 5,000 का या 3,000 का टोटल CNG के साथ, 3,000 का टोटल काम किया, उसमें CNG प्लस माइनस करने के बाद जो पैसे बचते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको आर्टिका में पैसे बचते हैं। सिंपल तरीका ये समझ लीजिए आप, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट वाली गाड़ी होती है ना वो है आर्टिका। मेंटेनेंस कॉस्ट हो या फिर खर्चा जो भी, तेल वगैरह, ऑयल, फिंचर, माइलेज, CNG आने जाने में जो भी आपके चलते, वो डिज़ायर के बराबर जा रही है आर्टिका में। मेंटेनेंस भी ज़्यादा जा रहा है, सिंपल तरीका दोनों का बराबर है। तो जो लेकिन काम करने का जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है ना वो होता है ज़्यादा आर्टिका में। ये आप बचत समझ सकते हैं यहाँ पर। जैसे 2,000 की बुकिंग मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, 2,000 की बुकिंग मैं ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बड़ौदा से अहमदाबाद जा रहा हूँ और वहाँ से 2,000 की रिटर्न लेके आ रहा हूँ, 4,000 हो गए। लेकिन अगर मैं डिज़ायर में लेके जा रहा हूँ तो मुझे 1,500 मिलने वाला है, 1,500 जाने का और 1,500 आने का, तो कितना हुआ 3,000, उसमें कितना हो रहा है 4,000, तो 1,000 रुपये ज़्यादा है उसका। 1,000 रुपये में टोल और CNG माइनस हो गया, उसको 3,000 उसको बच रहा है, और हमें 3,000 में हमारा टोल और CNG वगैरह वो सब निकालना है। तो अगर 1,000 रुपये का वो निकाल रहा है तो 1,000 रुपये का माइनस हमारी डिज़ाइन में कर दीजिए, तो हमें बचने वाले हैं उसमें 2,000, और आर्टिका है हमारे पास उसमें बचने वाले हमको 3,000। सिंपल तरीका इस टाइप से आप समझ लीजिए, आइडिया है आपके पास तो उसमें 3,000 बचेंगे, और अगर आपके पास डिज़ायर है तो उसमें आपको 2,000 बच रहे हैं, मतलब आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं डिज़ायर से आइडिया गाड़ी पर। तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, आप इससे समझ सकते हैं। और 1,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा निकालने के बाद 1,000 रुपये पर हर बुकिंग पे, मतलब एक राउंड पे आपको 1,000 एक्स्ट्रा आ रहे हैं डिज़ायर से। आपका CNG भी उतना ही जा रहा है, आपका मेंटेनेंस कोस्ट उतना जा रहा है, सर्विस जब भी करा रहे हैं तब उतना जा रहा है, टायर वगैरह हर एक चीज़ में खर्चा बराबर ही आता है। सिर्फ प्राइस आपकी गाड़ी की ज़्यादा होती है आर्टिका की, इसकी वजह से उसमें बचत ज़्यादा होती है बड़ी गाड़ी की वजह से। और जो रेट मिलता है ना वो भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है डिज़ायर से। अब गाड़ी का खर्चा भी उतना आ रहा है, गाड़ी का जो मेंटेनेंस कोस्ट होती है वो भी उतनी ही आ रही है, गाड़ी का CNG जा रहा है वो भी उतना आ रहा है, गाड़ी का जो टोल टैक्स लगता है वो भी उतना आ रहा है। तो सब कुछ जब बराबर उसमें आ रहा है तो हमारी जो प्रॉफिट किस में बढ़ेगी, क्योंकि उसमें बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपका जो कन्फ्यूजन होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो गाड़ी है वो कौन सी है, तो मैं आपको बता दूँ सिंपल तरीका, ना वेगनार ना डिज़ायर, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल गाड़ी है वो है आर्टिका। और आर्टिका गाड़ी आपके लोकल काम के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ है आपको आउटसाइड कैटेगरी में, अगर आप काम कर रहे हैं आउटसाइड का काम करना चाह रहे हैं, बाहर का काम करते हैं, तो उसमें आपको आर्टिका लेना चाहिए।
एर्टिगा गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के काम कर सकते हैं, और हर इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस है। मेट्रो सिटी के बराबर जितनी भी सिटी हैं उन सब में सक्सेस होगी, कम्प्लीटली बुकिंग निकलता है, डिमांड भी अच्छी है और प्राइस भी अच्छी है, डिज़ायर छोटी गाड़ियों से। एक सिंपल तरीका समझ लीजिए, अगर एक छोटी गाड़ियाँ जो डिज़ायर वगैरह हैं वो स्टैंड पे खड़ी हैं 50 गाड़ी, आप एयरपोर्ट वगैरह काम करते होंगे आपने देखा होगा, नज़र डाल के एयरपोर्ट के अंदर पार्किंग में देख लेना, डिज़ायर और वैगनार आपको 100 मिलेंगी और एर्टिगा की जो तादाद वो वहाँ पर आपको 20 से 25 मिलेगी। तो वहाँ पर जिस चीज़ की शॉर्टेज होगी ना, गाड़ियाँ कम होंगी और डिमांड ज़्यादा होगी, वहाँ पर आपको प्राइस ज़्यादा मिलता है। तो आई होप आज के वीडियो के अंदर आप फाइनली इतना समझ गए होंगे कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल गाड़ी कौन सी है, हमें कौन सा लेना चाहिए, और हमें सिटी परपज़ में काम करना है तो हमारे लिए कौन सी गाड़ी है। तो सारा कुछ आज के वीडियो के अंदर फाइनली क्लियर हो गया। तो कुछ भी कन्फ्यूजन होता है, कुछ भी कॉमेंट वगैरह होते हैं आपके, कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कर लेना, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।